तुम्हारे बाप की समझ नहीं आती। जब देखो कोई बात करो तो तुम्हारा मुकाबला ना वो नाजी से करना शुरू कर देते। मैं तो तंग आ गई हूँ उनकी इन बातों से, और वो मीसरी घुन्नी कहीं की सब समझती हूँ, तुम्हारे बाप के सामने ना मजलूम बनी खड़ी रहती है हमेशा। तो अम्मी जाने देना, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? अरे कैसे ना लूं टेंशन, आज नाश्ते की टेबल पे तुम्हारे बाप ने 10,000 बातें मुझे सुना दी कि तुमने अपनी बच्ची को क्या सिखाया है। सारा दिन तो सोई रहती है, घर का काम आता नहीं है, कुछ करती नहीं है, और जब मैं जवाब दूं ना तो फौरन अपनी भांजी का किस्सा ले आते कि वो तो इतनी अच्छी है, सलीकेमंद है, ये तो दिमाग खराब करके रखती है। और तुम्हें पता है ये जो नाजी है ना जलती है तुमसे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरा उसका ना कोई मुकाबला नहीं है। आम सी शक्लो सूरत की है, फैशन स्टाइल का कोई सेंस नहीं है, मेरे दिए हुए कपड़े पहनती है, मेरा उसका कोई मुकाबला नहीं है। और रही बात घर के कामों की, तो मैं इसलिए एजुकेशन नहीं हासिल कर रही कि घर के काम कर करके मासी बनी रहूं। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तो उंगलियों पे दिन गिन रही हूँ कि कब इस मनहूस कमबख्त से हमारी जान छूटेगी। वो रुकैया खाला आई थी ना, क्या हुआ उनसे, कोई बात हुई? अरे हाँ, कहा था उससे कि कोई सीधा सादा सा रिश्ता लेके आ जाए, चार लोगों को बुला के सादगी से निकाह करके इसको दफा करें यहाँ से। अरे तो ठीक है ना, बेस्ट हो गया। क्या बेस्ट? अब आपको किस चीज की टेंशन है? अरे टेंशन तुम्हारे बाप ने दी हुई है, उनसे जब मैंने कहा तो कहने लगे कि नहीं भाई सादगी से शादी नहीं होगी, एक दो फंक्शन तो लाजमी होने चाहिए, और ऊपर से जहेज की बात भी की है। मैंने कहा उसको जहेज देंगे तो हमारी बच्ची हमारे सामने, कल उसकी शादी का वक्त आया हमारे जेब में पैसे नहीं थे तो क्या करेंगे। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अपनी खुशियों और जरूरतों की हिस्सेदार किसी को नहीं बनने दूंगी। अरे तुम फिक्र ना करो, एक बार इस मनहूस को यहाँ से रुखसत होने दो, फिर देखना मैं तुम्हारी शादी ऐसी धूमधाम से करूंगी कि सारा खानदान देखेगा, और वो जो तुम्हारी जलकुकड़ी फूफियां हैं ना उनकी तो आंखें बाहर उबलाएंगी। उनकी तो आंखें पहले ही बाहर रहती हैं मेरी इस्तेमाल की चीजें देखकर। हासिद कहीं की जलकुकड़ियां नहीं तो कैसे भाग गई ना इसकी सरपरस्ती लेने से। जानती थी ना पापा को इमोशनल करके बेवकूफ बना लेंगी, सो बना लिया। चालाक लोमड़ियां, मेरा बस चले ना तो तुम्हारी ददियाल के मुंह पर मैं थूकूंगी। दफा करें, कौन मिलना चाहता है उन लोगों से। चाय ठंडी हो गई, इतनी बकवास।